अपने रचनात्मक सुझाव देता, लेकिन मुझे लगता है नेता विपक्ष ने बजट को पढ़ा नहीं है कि चित्र रूप इस बजट में काली पोती है। महोदय नेता विपक्ष ने कहा कि 15 लाख रुपए की लागत से कीट लैब प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की योजना पर सवाल किया कि वह लैब मध्य या गैर मध्य योजना बनेगा, आपने इसे एक जुमला भी कहा। महोदय मैं आपके माध्यम बता देना चाहता हूँ ये केवल जुमला नहीं है, लैब के लिए इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट 15 लाख रुपए जमा करा दिया गया है, इससे टेंडर भी हो चुके हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि बजट को पहले पढ़े नापे तोले फिर बोले। आपके माध्यम से नेता विपक्ष को बताना चाहता हूँ कि गाजीपुर पशु वध गृह में उत्पन्न अमावश्य अवशिष्ट पशु चिकित्सा सामग्री के निष्पादन हेतु संयंत्र की स्थापना जो निजी क्षेत्र को सौंपी गई है, यह काम 30 बार 2013 से 2015 से चल रहा है। कंपनी को 0.9 एकड़ जमीन 25 साल की लीज पर दी गई है। हम कंपनी के निष्पादन को 235 रुपए प्रति मीट्रिक टन देंगे। नेता विपक्ष का कहना है कि कंपनी को फायदा पहुंचाया गया है। महापौर मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, नेता विपक्ष का कहना कि इस बजट की आमदनी 500 करोड़ की है, मैं भाई अब्दुल रहमान से कहना चाहता हूं यदि 500 करोड़ की आमदनी कोई प्रस्ताव आपके पास है तो हमें दीजिए, 15 रुपए दीजिए, हम सब मिलकर उसको पास करेंगे, उसी कंपनी को दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के सभी पार्षद इस संकल्प के साथ सदन में बैठे हैं कि 500 करोड़ क्या 500 रुपए का नुकसान निगम को नहीं होने देंगे। भारतीय जनता पार्टी सरकार चाहे केंद्र में हो निगम में हो, केंद्र सरकार ने जो विरोध पेश किया उसमें 10 करोड़ रुपए को 5-5 लाख रुपए का बीमा देने की घोषणा की है। महोदय मैं आपको बता देना चाहता हूँ यदि 5 लाख का बीमा कोई परिवार कराता है तो उसमें लगभग 20 हजार रुपए की लागत आती है जो कि केंद्र सरकार ने मुफ्त में बीमा देने की शुरुआत की है। अभी स्किल इंडिया के माध्यम से नौजवान को ट्रेनिंग, मुद्रा योजना के माध्यम से जरूरतमंदों को लोन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से बेटियों को क्षेत्र क्षेत्र बढ़ावा, आवास योजना, लगभग 100 योजनाओं का काम चल रहा है जिससे देश का प्रत्येक फायदा उठा रहा है। संसाधनों की कमी के बावजूद हमारे जिलों में चलने वाली स्वास्थ्य सेवा बेहतर काम कर रही है। एक उसका उदाहरण मैं देना चाहूंगा, 22 दिसंबर 2017 को मैं स्वामी दयानंद हॉस्पिटल में गया था, वहां में एक परिचित महिला मिली, मैंने पूछा बहन जी आप यहाँ कैसे, आप तो बहुत पैसे वाली है, उन्होंने कहा 1964 में मैं यही इसी अस्पताल में पैदा हुई थी, 1990 में मेरा बेटा पैदा हुआ और आज मैं अपनी पुत्र वधु के लिए यहाँ आई हूँ। मैं कह सकता हूँ विश्वास है मुझे विश्वास है तो ऐसा काम हमारे हॉस्पिटल और हमारी स्वास्थ्य सेवा करने में लगी हुई है।